अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। एक और ताज़ा तरीन ब्लॉग पे आपको वेलकम। और आज के ब्लॉग की स्पेशलिटी ये है, ये आपका भाई पूरे 40 दिन या एक महीने के बाद YouTube की गलियों में हाजिर है। तो हम आपके लिए वापस एक नया ब्लॉग ले आए हैं। इस वाले ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले एक महीने के जो कि मैं ब्रेक पे था उसके अंदर क्या क्या हुआ। तो जिधर से छोड़ा था उधर से पहले शुरू करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट अनाउंसमेंट इज दैट वी फाइनली हिट 500 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल, जो कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। जिसने सब्सक्राइब किया और सपोर्ट किया आपके भाई को, सो थैंक यू सो मच। और थोड़ी सेलिब्रेशन बनती है। Congratulations on 500 subscribers! Yeah! Thank you so much. Yeah, so आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो जाएँ और subscribe करें, support करें। तो बस free plug. The next thing was that मेरे इंटरवोर्ड के exams start हो गए और उस exams की तैयारी मैंने की और मैंने सोचा था कि एक documentary बनाएंगे उसके ऊपर, लेकिन वो इतनी successful नहीं रही क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसके वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। तो मैंने सिर्फ दो पेपर की documentary बनाई, botany zoology की, वो आप चेक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, वो वक्त आ गया है जिस वक्त का आपको और मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। बोर्ड के एग्ज़ाम से सिर्फ 3 दिन बचे हैं और उस 3 दिन में मुझे अपने पहले पेपर जूलॉजी की तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा। और 3 दिन सिर्फ है मेरे पास, सिर्फ 3 दिन। ए बाबा, ए, ए, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रहे हैं। तो तैयारी में आपको दिखाता चलूँ, ये है मेरी बुक जो कि इंटर बोर्ड की निशानी है कि वो फट जाती है उनकी जल्दी बहुत। उसके बाद ये है मेरे पास पेपर जो कि वो भी फटे हुए हैं। और जो मेरी खुद की बुक है पर्सनल नोटबुक, वो मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, कोई ऐसे फटी हुई नहीं है। और उसके अंदर 2 सेक्शन है, एक बॉट एक जूलॉजी का और स्टार्ट बॉटनी में। तो ये है मेरी तैयारी। तैयारी मैंने की हुई है लेकिन इतनी नहीं की हुई है जितनी करनी चाहिए, तो मैं और करूँगा तैयारी। ये है अभी तक कि मेरे सारी पेपर और सारी चीज़ें। सो दिस इज ऑल द वर्क आई हैव डन, बस इतना ही है। हेलो जी भैया, वेलकम बैक। और दिस इज़ माय सेगमेंट कॉल पेपर रिव्यू। और ये है मेरा आज का जूलॉजी का पेपर। और मैंने ये भी न्यूज़ देखी कि जूलॉजी का पेपर आउट हो गया था पेपर स्टार्ट होने के बाद। तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम देन, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो चुका होता है और उसके बाद कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। तो ये है पेपर। MCQ बता दूँ, 12 तो सही गए हो गए और बाकी के पता नहीं, क्योंकि तुक्के भी लगाए थे और आजू बाजू में सही वे भी हो गया था पेपर। लॉन्ग के पेपर गैस किए थे पासवर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो वही दोनों क्वेश्चन है एनिलिडा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। तो वही दो आए और मैंने वही दो किए अच्छे से, तो लॉन्ग तो मसला नहीं है। तो दिस वाज माय पेपर रिव्यू। सर जी, दिस इज 17 अप्रैल 2019 और अभी मैं अपने बॉटनी पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, जो कि कल है। और परस मतलब येस्टरडे मेरा जूलॉजी का पेपर था जो कि बहुत अच्छा गया, मैंने आपको बताया पेपर रिव्यू में। और अब कल के बॉटनी पेपर की तैयारी कर रहा हूँ मैं, और तैयारी अच्छी खासी है, लेकिन इट्स हार्ड, लेंदी तो नहीं कह सकते लेकिन हार्ड ज़रूर कह सकते हैं। तो पता नहीं क्या करूँगा मैं। ये 4 चीज़ें जिससे मैं अपने बॉटनी के पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले दिस इज़ द पास पेपर, और ये 2018 के थे लेकिन 2018 का जो पार्ट है वो फट चुका है क्योंकि इनकी क्वालिटी ऐसी होती है। तो दिस इज़ द पास पेपर्स। उसके बाद दिस इज़ माई स्कूल जर्नल, माई टेक्स्ट बुक, और उसके बाद ये है मेरा खुद का जर्नल जिसको मैं बहुत प्यार से और आराम से रखता हूँ, उसके अंदर बहुत आराम से काम करता हूँ साफ़ सुथरा। और ये आप देख सकते हैं ऊपर माई स्टैम्प ऑफ TV ब्लॉग्स। तो बस ये जर्नल है मेरा। एक और पेपर रिव्यू पे आपका वेलकम। आज मेरा बॉटनी का पेपर था, आज है 18 अप्रैल और अभी हम करेंगे बॉटनी का पेपर रिव्यू। पेपर रिव्यू थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं सफ़ा, और सीन ये है कि
जो हिसाब से मैंने जूलॉजी का पेपर किया था मेरा, जो कि परसों था, मतलब डे बिफोर यस्टरडे ऑन 16th अप्रैल, उसको कंपेयर करते हुए अगर मैं अपना बॉटनी का पेपर कंपेयर करूँ, तो अगर जूलॉजी का पेपर इधर है मेरे तो बॉटनी का पेपर इधर है मेरे, तो ये आप इसे समझिएगा क्या। बाकी अब क्वेश्चंस में ज़रा से अलग अलग क्वेश्चंस थे, बहुत मुश्किल मुश्किल, तो उसके ऐसे मसला हो गया थोड़ा सा, लेकिन ऐसे तो हार्ड मानने वाला नहीं था मैं, तो थोड़ा सा आजू बाजू ऊपर नीचे पीछे आगे हर जगह से हो गया। दूसरी सबसे जो मेरा बुरा पेपर हुआ वो मेरा फिजिक्स का पेपर हुआ था, और उसके अंदर सिर्फ एक दिन का गैप था, पहले केमिस्ट्री दिया उसके बाद एक दिन गैप के बाद फिजिक्स, तो उसके बाद वो पेपर इतनी तैयारी भी अच्छी नहीं हुई और पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, तो बस उसके दुआ करें कि अच्छे मार्क्स आ जाए और तो उसे निकल जाए बस। तो कल 6th अप्रैल को मेरा लास्ट पेपर था इंग्लिश का, और इट वेंट गुड, और अलहमदिल्ला सारे पेपर ख़त्म हुए, अब सिर्फ प्रैक्टिकल्स बचे जो कि आगे हो गए, देख लेंगे रमज़ान में हो गए शायद कुछ, तो इट्स स्ट्रेसिंग लेकिन हो जाएगा। तो पेपर के दिन कल ही मैं अपनी ज़िंदगी की पहली मीटिंग में गया। अगर इट टर्न्स आउट सक्सेसफुल सो आप उसका प्रोजेक्ट या जो भी कुछ दिन में देख लेंगे शायद इंशाल्लाह। सो द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू, एंड मे दिस मंथ ब्रिंग हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स टू यू एंड योर फैमिली, और रोज़े रखिएगा। सो रमज़ान की जितनी सारी स्पेशलिटी है उसमें से एक है नाइट क्रिकेट, जो कि विच इज़ वेरी स्पेशल इन पाकिस्तान स्पेशली, सो वो नाइट क्रिकेट हम लोग भी खेलते हैं मैं और मेरे दोस्त, तो आज रात को उसका पहला दिन होगा, तो हम लोग जाएंगे नाइट क्रिकेट खेलने, तो आप लोग भी आएंगे मेरे साथ, तो चले। क्रिकेट खेलने अभी तक लोग नहीं आए बाकी सारे। लास्ट अनाउंसमेंट इज दैट मई आ गया, और मई मेरी बर्थडे का मंथ है, मेरी बर्थडे आती है 30 मई को, 30th मई लोग समझते 38 मई, लेकिन 30th मई को मेरी बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे लिख दिया कमेंट में तो मुझे खुशी होगी बहुत सारी, थैंक यू सो मच, और दैट्स इज ऑल फॉर दिस ब्लॉग, आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्नैपचैट, अरे कितना बेकार क्रिंजी है। सो दैट्स ऑल, लिंक्स आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिधर भी आपको फॉलो करना हो। सो अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ऑसम, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद इस चीज़ के बाद द नेक्स्ट थिंग वाज माय फिजिक्स।